महाशिवरात्रि की रात वह रात होती है जब भगवान शिव ने निराकार से साकार रूप में प्रकट होकर संसार की उनकी असीम शक्तियों और ज्ञान का दर्शन कराया। इस दिन हम अपने भीतर शिवत्व को जागृत करने का संकल्प लेते हैं। शिवत्व कह लो, चैतन्य कह लो, कृष्णा कॉन्शियसनेस कह लो, सब अलग अलग नाम हैं जागृति के। भगवान शिव को हमने शिव नेत्र तीसरे आँख के रूप में भी देखा। जिस दिन तुम्हारी तीसरी आँख खुल जाती है उस दिन पहली बार तुम्हें असली आंख मिली। ये जागृति की आंख है। अब जीवन अस्व्यस्त नहीं रह सकता, अब जीवन में प्रकाश होना शुरू हुआ। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव और माँ पार्वती के बीच का एक अद्भुत वार्तालाप है जिसमें भगवान शिव ने सीधे ध्यान की विधियाँ दी बिना किसी बौद्धिक परिचय के, क्योंकि वह तुम्हारे मन को समझते हैं। किसी भी तरह का बौद्धिक ज्ञान तुम्हारे लिए बाधा बन सकता है, इसलिए वो सीधा तुमको विधि में प्रवेश करने को कहते हैं। भगवान शिव की प्रस्तुत 112 तकनीकें मानवता के लिए एक उपहार है। ये तकनीकें तुम्हारे मन को वर्तमान में ले आती हैं, और जब मन वर्तमान में होता है तो वह रुक जाता है और तुम सच में मन नहीं रह जाते। वर्तमान में जीना ही कला है, यही है भगवान शिव का संदेश। अगर इन 112 तकनीकों में से एक भी तुम्हें छू लेती है तो समझ लेना कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। इस महाशिवरात्रि में आइए हम सभी अपने भीतर की यात्रा को गहराई से अनुभव करें और भगवान शिव के दिव्य संदेशों को अपने जीवन में उतारें। भगवान शिव जीवन को उसकी संपूर्णता में जीना सिखाते हैं। उनसे जुड़कर तुम्हारे भीतर का शिव तत्व जागृत होता है और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। प्रणाम।